कभी शराबियों का अड्डा बनी नैनीताल की पहाड़ी को सेंट जोसेफ स्कूल ने खूबसूरत गार्डन में तब्दील कर दिया है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना काल में बहुत से लोगों ने रचनात्मक काम किए हैं। ऐसा ही एक अनोखा काम किया गया नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में। स्कूल के प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ पर बेकार पड़ी चीजों से मनमोहक गार्डन तैयार किया है, जिसमें गमलों से लेकर झरने तक शामिल है। ऐसे भी इधर भी पुराना सामान है, इस हमारा हम कैसा देख सकता है, पत्थर से हम मूर्ति कर सकता है, या वी कैन मेक आइडल्स, ऐसे हमने किया। एक मैसेज है, अभी हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, इधर हम आर्ट क्लास करेगा, नेचर क्लब इधर करेगा। किसी जमाने में पहाड़ी शराबियों का अड्डा थी, लेकिन कॉलेज की मेहनत से आज यहाँ खूबसूरत बगीचा बन गया है। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी शूटिंग की उम्मीद की जा रही है। तो उसकी खूबसूरती को देख के उन्होंने बड़ी तारीफ करी, तो यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। पिछले साल एक कैंडी वेब सीरीज थी, उसकी शूटिंग हुई है। दो तीन लोग और भी आए हैं, इस साल भी आए हैं कुछ लोग देखने के लिए। तो उन लोगों ने भी रेकी करी है यहाँ की, और इसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिलेगा ही मिलेगा। अपनी खूबसूरती के लिए अब इस कॉलेज की चर्चा नैनीताल से फिल्म सिटी तक होने लगी है और लोग भी इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। कांग्रेस नेता